अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। और आज मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी ही फैंसी बिल्डिंग के अंदर बड़ा ही मज़ेदार फूड स्ट्रीट, जिसको ओसला बार कोर्ट स्ट्रीट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और मशहूर है। और अभी हम चलते हैं अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी ही मज़ेदार वैरायटी मिलने वाली है, तो लेट्स गेट इनसाइड। तो सबसे पहला स्टॉल है हमारा वीगन फूड का। आजकल यहाँ पर वीगन फूड जो एक ट्रेंड ही बन चुका है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा वीगन फूड को प्रायोरिटाइज़ करते हैं क्योंकि ये हेल्थी खाना है। तो चलें अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। और वीगन के साथ आपको मिलेगा थाई फूड, और थाई फूड के साथ ये है हमारा इंडियन रेस्टोरेंट फूड। अच्छा यार, ये सारी जहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं ना, इन यहाँ पर आपको 13 से ज़्यादा मुख्तलिफ कंट्रीज़ के डिफरेंट तरह के खाने और बड़े ही एक नई किस्म की वैरायटी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। ये एक तरफ थाई, दूसरी तरफ अमेरिकन, तीसरी तरफ इंडियन, और इस तरफ ये अभी हमारे अरबी भाई हैं। यहाँ पर ये अरबी आप देख सकते हैं, फलाफिल स्ट्रीट फूड, और इन्होंने ये बड़ा ही कम्बिनेशन बनाया हुआ है यहाँ पर। और ये देखें, इस तरफ यहाँ पर सुशी बना हुआ है, सुशी बार एक छोटा सा। तो ये स्पेशली यहाँ पर फॉरेनर्स के लिए इन्होंने बहुत ही यहाँ पे, जितने यहाँ पे नॉर्वे में फॉरेनर्स रहते हैं वो इस तरफ आते हैं यहाँ पर अपने मुल्क का खाना, एक नई एक ट्रेडिशनल और बड़ा ही ना इन्होंने नया खाने का कॉन्सेप्ट बनाया है, और उसमें आपको बड़ा ही डिफरेंट तरह का और नए नए खाने और नई नई ऐसे फास्ट फूड की तरह की चीज़ें मिलेंगी खाने को और देखने को। यहाँ पर इन्होंने बैठने का भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है, और आपको गेमें भी खेलने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर बारकोड बड़े ही ज़्यादा जो होते हैं इवेंट्स और क्वीज़ और इस तरह के बड़े बड़े छोटे मोटे जो कॉन्सर्ट्स वगैरह अंदर इनके अपने ही प्रोग्राम होते हैं, डीजे इवेंट्स वगैरह वो यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने गेट टुगेदर का सिस्टम बनाया हुआ है, आप यहाँ पर आएँ, अपना फूड लें, अपनी ड्रिंक लें, आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर दोस्त बनाएँ, जिससे भी आपने बैठना है, रिलैक्स हो, अपना लॉन्च में अपने टाइम अच्छा स्पेंड करें, या दोस्ती वगैरह करें, या किसी से भी गपशप लगाएं। बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने एक अपना टाइम को गुजारने का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया है। और यहाँ पर तकरीबन फॉरेनर्स ही हैं, लाइक ये फूड जो है आप देख सकते हैं कि एक ये भी हम ये जो पंजाबी में यूनान का है, और थाईलैंड और अरबी और हर तरह का डिफरेंट तरह का खाना यहाँ पे एक स्ट्रीट फूड बना हुआ है। और खाना भी इनका रीज़नेबल, ये सस्ता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ पर आप अपना टाइम बड़ा ज़बरदस्त गुजार सकते हैं। यहाँ पर इवेंट्स वगैरह होते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर इन्होंने इनडोर अपना एक पार्टी टाइप सिस्टम भी बनाया होता है। फेसबुक पे भी पेजेस बनाया है जहाँ पे आप इनके इवेंट्स भी चेक कर सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कब एक इवेंट है या क्वीज़ है, या बेसिकली ये एक बड़ी मज़ेदार स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है। तो मैंने आज सोचा था कि आप लोगों को मैं ये दिखाऊं। और यहाँ पर सिटिंग एरिया बहुत खुला है, बहुत ही बड़ा है, और सिटिंग एरिया आप ऊपर बैठना चाहते हैं ऊपर बैठें, नीचे बैठना है, या हॉल में अंदर। और ये अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने एक ना बहुत बड़ा ज़बरदस्त ये हॉल बनाया आगे, और आप उधर सम टाइम जब ये फुटबॉल के मैच होते हैं, या आप समझ लें कि बहुत कोई ऐसा फेमस मैच हो या क्वीज़ हो, तो यहाँ पर इन्हें सामने प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन लगाई होती है, और इस हॉल में यहाँ पर एक फ़न एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर आपको वेजिटेरियन से ले कर ग्लूटेन फ्री और सी फूड और अरबी एक स्ट्रीट फूड और एशियन, लाइक इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने अंदर डिफरेंट बहुत ही डिफरेंट स्टॉल्स बनाए हैं। और मीठे का भी इन्होंने आगे रखा हुआ है, वो सबसे लास्ट पे शॉप है, लेकिन अभी हम थोड़ा ऊपर की तरफ भी चलते हैं। ऊपर भी इन्होंने बड़ा मज़ेदार सिटिंग एरिया बनाया है।
तो ये है हमारा आखिरी स्टॉल आइसक्रीम और स्वीट्स का। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 3 बजे आया था दिन को, तकरीबन ये इसी वक्त ही खुलते हैं दिन के 3 बजे, और रात को ये तकरीबन 11 और वीकेंड्स पे रात को 1 बजे तक खुले रहते हैं। लेकिन यहाँ पर रश अभी इसी वजह से कम है क्योंकि अभी दिन का टाइम और अभी इनकी ओपनिंग का टाइम भी है। और इसकी लोकेशन ब्योरविक है, ब्योरविक का ट्रेन स्टेशन की तरफ से भी आप आ सकते हैं, और स्लो सेंट्रल स्टेशन और दूसरी तरफ जो ट्रेन स्टेशन है इनका। और अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो आज का मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़। मैं चलना इस मोटरसाइकिल पे।